हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल एक्स वाई जेड वीडियो मुकेश में। दोस्तों ये हमारा चैनल है एक्स वाई जेड वीडियो मुकेश, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे और बताएंगे एग्ज़ाम भी एग्जाम्पल भी कि किस तरह से जो आयुष्मान कार्ड है उसको डाउनलोड करते हैं और किस तरह से बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति घर बैठे बना सकता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी CSC सेंटर या कोई भी MP ऑनलाइन किसी भी साइबर कैफे की दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप आसानी से बना सकते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे किस तरह से आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम किसी एक क्रोम ब्राउजर को या गूगल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम बेनिफिशरी NHA, बेनिफिशरी NHA। ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, .government.in, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। जैसे हम इस पर लिखेंगे इस तरह से हमारे सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी, बेनिफिशरी पोर्टल PMJAY, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगी और ये साइट भी खुल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या लिख के यहाँ पे लिखा है, अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ आसान। ठीक है दोस्तों, कोई भी घर बैठे बना सकता है। यहाँ पे लिख के लिखा भी होगा, अब लाभार्थी अपने आयुष्मान कार्ड को आयुष्मान ऐप की सहायता से स्वयं बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अब कोई भी व्यक्ति बना सकता है घर बैठे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, 3 डॉट के ऑप्शन पे जाना है। इससे हम बताते हैं क्या है। ठीक दोस्तों, 3 डॉट के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देंगे। किस पे कर देंगे, डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देंगे, जैसे हमने क्लिक किया है, तो इससे होगा ये कि इसमें जो खुलेगी साइट और लैपटॉप की तरह खुलेगी। ठीक है दोस्तों, क्या खुलेगी, लैपटॉप की तरह खुलेगी। तो दोस्तों अब क्या करना है, लैपटॉप की तरह खुल गई, अब किस तरह से इसमें यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, बेनिफिशरी ऑपरेटर, या फिर अगर डेस्कटॉप की साइड पे नहीं चलाना तो ऐसे ही चला सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी चला सकते हैं आप। ठीक है, चलो ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे बेनिफिशरी ऑपरेटर लिख के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ऑपरेटर का मतलब होता है जो CSC चलाते हैं, MP ऑनलाइन वगैरह ये चलाते हैं, उनकी या जो ID है आयुष्मान कार्ड की, वह लॉगिन कर सकते हैं ऑपरेटर की तरह। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटर से अगर वो नहीं है तो बेनिफिशरी स्वयं से खुद बना सकता था। हमें बेनिफिशरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं जो आधार से लिंक हो। ठीक है दोस्तों, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक OTP आएगा। ठीक है दोस्तों, OTP आएगा। ठीक है, तो OTP हम देख लेते हैं और यहाँ पे दर्ज करेंगे, ऊपर नीचे दर्ज करना दोस्तों, जो ऑथोर मोड लिखा है इस पर क्लिक करने की कुछ नहीं करना है। यहाँ पे OTP यहाँ पे भर लेना है और यहाँ पे कैप्चा कोड को फिलअप कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कैप्चा कोड को भी फिलअप कर लेते हैं और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आयुष्मान भारत, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यहाँ पे इंस्टीट्यूट करेंगे हम, यहाँ पे इंस्टीट्यूट करेंगे, यहाँ पे स्कीम चूज करेंगे, तो स्कीम पहले से ही है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे स्कीम चूज़ करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जोन से वो चूज़ करेंगे, यहाँ पे फैमिली ID सर्च करें, कोई भी ID, मतलब जो भी आपके पास प्रूफ है। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वो है डॉक्यूमेंट के रूप में सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आपके पास प्रूफ होगा, समग्र ID हो, फैमिली ID हो, आधार कार्ड हो, नेम हो, ठीक है, लोकेशन, रूरल लोकेशन, अर्बन, ठीक है, PMID हो, जो भी आपके पास है वो डाल लें। जैसे हम सिंपल भाषा में बताएं, भारत में ज़्यादातर लोग फैमिली ID ही डालते हैं, इससे ही कोई डिटेल निकल आती है। फैमिली ID यहाँ पे दर्ज करें, कोई भी फैमिली ID दर्ज कर लेंगे, तो फैमिली ID दर्ज करने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे, सर्च दिख रहा है, सर्च। तो दोस्तों इस तरह से जो भी फैमिली में, जितने भी फैमिली डालेंगे वो सर्च करेंगे, जैसे जितने भी फैमिली में
सदस्य होंगे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, शो होने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से शो हो रहे हैं आपके सामने, इस तरह से शो होने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखाई देगा, कौन सा अवेलेबल है कौन नहीं है, और केवाईसी स्टेटस, केवाईसी है या नहीं है, कार्ड जिनका बन चुका है उनका अप्रूव्ड लिख के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या लिख के आ जाएगा, अप्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दिखाई देगा, जिनका बना नहीं है, जिनका बना नहीं है क्या होगा उनका दोस्तों, उनका जिनका बना नहीं है यहाँ पे नॉट वेरीफाई लिख के आ जाएगा। तो जिनका बना नहीं उनको नॉट वेरीफाई पे जैसे केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम केवाईसी पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आधार नंबर डालेंगे, वो अगर ओटीपी के थ्रू बनाना चाहते हैं ओटीपी के थ्रू बना सकते हैं, या फिर कि डिवाइस के थ्रू बना सकते हैं आधार फिंगर के थ्रू, तो आप इसके थ्रू भी बना सकते हैं। आपके पास अगर डिवाइस है तो, अगर आधार मोबाइल नंबर लिंक है तो आप आधार के मोबाइल नंबर के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जिनका आधार, जिनका सॉरी जो क्या बोलते हैं आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, बन चुका है, अप्रूव लिख किया रहा, तो उनको डाउनलोड कैसे करना। ठीक है दोस्तों, डाउनलोड कैसे करना, जैसे हम एक डाउनलोड करके भी दिखा देते हैं आपको, एक डाउनलोड करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अप्रूव लिख के आ रहा, इसके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या रहा, डाउनलोड का ऑप्शन। तो यहाँ पे हम डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जैसे हम डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आधार के लास्ट अंक दिखाई देंगे, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मोड, आप मतलब किसके थ्रू आप ये निकालना चाहते हैं, ओटीपी वगैरह, या तो हम इस पर क्लिक करेंगे, पहले हम वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे, आधार वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेंगे, इसके बाद अलाव पर क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद ऑप्शन खुल जाएगा ऑथेंटिकेशन मोड, ऑथेंटिकेशन मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आधार ओटीपी, आधार फिंगरप्रिंट, आधार LIRS। ठीक है दोस्तों, तो मतलब अगर आँखों के थ्रू आप बना सकते हैं, चेहरा के थ्रू, तो आप आधार RS पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, RS पे क्लिक करेंगे आधार, और मतलब अगर OTP के थ्रू तो आधार OTP पे, अगर आधार फिंगरप्रिंट से तो आधार फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक OTP आएगा, इस OTP को डालेंगे, ठीक है दोस्तों, इसको OTP को हम डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है, डिवाइस कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे डिवाइस पे, ठीक है दोस्तों, फिंगर जल्दी लगेगा, इसके बाद आप फिंगर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, OTP डाल करने के बाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम अगर ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे OTP के थ्रू भी बता देते हैं, तो OTP को हम दर्ज कर लेते हैं, वो आधार का जो OTP है उस आधार को भी OTP को दर्ज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आधार को OTP भी डालना है, और ठीक है दोस्तों, आधार OTP डालने के बाद और जो बेनिफिशियरी मोबाइल पर OTP आया वो भी डाल लेना है। ठीक है दोस्तों, और ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर दें, ऑथेंटिकेट पे क्लिक, जैसे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा बैठ लेगा, इंतजार कर लेते हैं, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिन जिन की जो समग्र आईडी, जो मतलब समग्र आईडी है परिवार डी, उसमें जितने भी मतलब होंगे उसके नाम सभी के आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, अगर आल पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आल, सिलेक्ट आल, तो सभी के डाउनलोड होने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या सभी के डाउनलोड होने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जितने भी परिवार में होंगे, और अगर एक पे क्लिक करेंगे तो एक का डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आल पे क्लिक कर देते हैं, जैसे हम आल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बिट लेगा, इंतजार कर लेते हैं, 40 सेकंड का टाइम भी लग सकता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको सामने सब कुछ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सब कुछ खुल के दिखाई देगा, जितने भी आल हैं पूरे दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या होगा आपको, यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा वो होगा डाउनलोड, डाउनलोड पे हम क्लिक कर देंगे, जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल बनी बनाई
किसी भी एक ब्राउजर में चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो भी आपने ब्राउजर रखा होगा सॉफ्टवेयर फाइल वगैरह जैसे बनाए होंगे, ठीक है, वहाँ पर पहुँच जाएगा, आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से डाउनलोड कर लेना है सभी को, इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको डाउनलोड करना है। आपको वीडियो समझ में आ गया होगा किस तरह से डाउनलोड करना है। अगर किसी का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, परिवार में किसी का भी सदस्य का हो, किसी का भी हो, किसी के थ्रू सभी का निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी एक व्यक्ति का परिवार में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब, इसलिए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों।